नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube न्यूज़ चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर से लाइव तस्वीरें हैं। मेजर जनरल सतबीर सिंह और अन्य सदस्यों ने झंडा जंतर मंतर पर फहराया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जंतर मंतर से लाइव तस्वीरें 15 अगस्त 2021 को जो हमारे सभी वेटरन्स एक्स सर्विसमैन हैं, उन्होंने देश के गर्व और देश के सम्मान के लिए झंडा फहराया है और अपने प्रोटेस्ट को भी एक नई दिशा दी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इतने दिन से लगातार जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन का धरना चल रहा है। जो हमारे सभी पूर्व सैनिक वेटरन्स हैं, उन्होंने देश के सम्मान के लिए यह झंडा फहराया है और जो आगे के प्रोटेस्ट के बारे में क्या इनकी रणनीति रहेगी उसके बारे में बताया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो हमारे सभी पूर्व सैनिक स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने देश के सम्मान के लिए झंडा फहराया है और अपनी जो रणनीति है वन रैंक वन पेंशन के जो धरना है उसको आगे बढ़ाया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश के सैनिक, देश के जवान के लिए देश का सम्मान और देश की सुरक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे पूर्व सैनिक वेटरन्स हैं जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं अपने हक, अपने इसलिए आरोपी के लिए उन्होंने देश का सम्मान करते हुए वहाँ झंडा फहराया है। दोस्तों, जैसा कि ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जिस देश का जवान, जिस देश का फौजी सड़कों पर है, उस देश का बड़ा ही दुर्भाग्य है, क्योंकि वो देश के लिए मर मिटने की ताकत रखता है। दोस्तों, देश की सुरक्षा, देश को आज़ादी सभी इन जवानों, पूर्व सैनिकों की वजह से मिली है और इनको इनका हक दिया जाना चाहिए और इसीलिए ये प्रोटेस्ट यहाँ पर लगातार चल रहा है। दोस्तों, आरोपी को लेकर रियल हुआ। दोस्तों, हमारे सभी पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन वेटरन्स लगातार अपने हक, अपनी असली आरोपी के लिए जंतर मंतर पर पहुँचते हैं और जो 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस पर भी वे पहुँचे हैं, उन्होंने अपने हक की मांग की है और देश के गर्व और देश के सम्मान के लिए झंडा फहराया है। राष्ट्रीय गान सभी कुछ जो दोस्तों, आप जैसा कि आप सभी को पता है कि एक फौजी के लिए देश का सम्मान, देश की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, ये साफ आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें हैं कि किस प्रकार से सभी जो सैनिक संगठन है वो यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुँचा है और उन्होंने देश की सुरक्षा, देश की रक्षा, देश के सम्मान के लिए झंडा फहराया है, राष्ट्रीय गान किया है। सभी जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने अपने हक, अपनी असली आरोपी के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी रखा इतने सालों तक, और जो लगातार सरकार है वो तारीख पर तारीखें दिए जा रही है, लेकिन जो उनका दृढ़ संकल्प है एक्स सर्विसमैन का वो कम नहीं हो रहा है। उनका दृढ़ संकल्प है कि जब तक सही वाली आरोपी नहीं मिल जाती तब तक धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं, दोस्तों आप स्क्रीन पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जंतर मंतर से लाइव तस्वीरें हैं और जो जंतर मंतर पर सैनिक संगठन पहुंचा है अपने हक की मांग के लिए और देश के सम्मान के लिए झंडा फहराया है और अपने असली हक, अपनी असली आरोपी के लिए मांग की है। दोस्तों, हमारे बहुत सारे पूर्व सैनिक वेटरन्स ऐसे हैं जो लगातार जंतर मंतर पर पहुंचते हैं और धरना प्रदर्शन में समर्थन देते हैं और बहुत सारे ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो ओआरओपी के समर्थक हैं लेकिन वो जंतर मंतर पर नहीं पहुंच पाते। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूं कि वे सोशल मीडिया के थ्रू ज़रूर इनसे जुड़े रहें जिससे कि आप सभी को अपडेट भी मिलती रहे और जो जंतर मंतर पर एक्स सर्विसमैन वेटरन्स बैठे हैं उनका हौसला भी बढ़ता रहे। दोस्तों, हमारे जो सभी पूर्व सैनिक हैं वेटरन्स हैं उनका कहना है कि सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। जो वन रैंक वन पेंशन मोदी सरकार ने दी है वो उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, वो सही वाली वन रैंक वन पेंशन नहीं है, उससे तो बल्कि वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा ही बदल जाती है। दोस्तों, 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर मेजर सतबीर सिंह जी ने भी देश के जो सभी सैनिक संगठन है उनको संबोधित किया है। आप देख सकते हैं मेजर सतबीर सिंह जी क्या कहते हैं, आप क्लियरली लाइव देख पा रहे हैं। मैसेज तो आज के दिन बिल्कुल साफ है, हमारा सैनिक परिवार और देशवासी, आज इंडिपेंडेंस डे है और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। सबको आज 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो और जो हमारे वीर, जो हमारे देश के वासी जिन्होंने अपनी शहादतें देकर ये आज़ादी दी उनको हम याद करें, श्रद्धांजलि दें और जिस एम के लिए हमें ये आज़ादी मिली
हम अपने देश को पूरे दुनिया में सबसे आगे ले जाएं। इसमें सबका योगदान, हाँ बहुत इश्यूज हैं जो एड्रेस होने हैं, उन इश्यूज को हर वर्ग के सरकारें स्टेट और सेंटर में उनको लागू करना चाहिए। जीडीपी तो आप ध्यान रखो सरकारें, लेकिन जीडीएच उससे भी बड़ी चीज है। जीडीपी कम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हम कितना आर्थिक तौर पर आगे बढ़े, और जीडीएच है ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस, कि हम हर इंसान की खुशी को कैसे बढ़ाएं। तो सरकारों को चाहिए जीडीपी एंड जीडीएच कंकरेंटली चलने चाहिए, और हमारा जीडीएच जो है किस तरह से हम वो एक्शन करें कि हमारे देशवासियों का जो खुशहाली है और उनकी जो हैप्पीनेस है वो बढ़े। ये सरकारों का मुद्दा होना चाहिए जो भी वो गवर्नेंस करते हैं। और उसके साथ आज मैं सभी को बधाई देते हुए हम रिजॉल्व करें कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सभी भारत के देशवासी, हम मिलकर रिजॉल्व करते हैं कि हम भारत को सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाए जिसमें सभी धर्म जाति का एक साथ हो और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, और सबको हम लिबर्टी जस्टिस हम उनको दें ताकि हम देश को उस तरफ ले जाएं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने 26 नवंबर 1949 में अपने देश को इनेक्ट किया और दिया। साथियों उसमें काफ़ी अमेंडमेंट हुई हैं, लेकिन कार्रवाई चल भी रही है, लेकिन उसमें बहुत कुछ और करना है। आओ हम सरकारों को गुजारिश करें और आप भी अपना जो कर सकते हैं करें, और इस आज के इंडिपेंडेंस डे के ऊपर सबको मुबारक, सबको खुशियों के साथ आप बड़े फूलें, हिंदुस्तान को भारत को आगे ले जाएं, आप भी खुश रहें, आप हैप्पी में हैप्पी जो है एम उसके ऊपर जाएं, तो आप चढ़ती कला में रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।